मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बक्सवाहा तहसील के धर्मपुरा मोजा के लिलोनहार में भूमि विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। स्थानीय ग्रामीणों ने पटवारी आनंद चौरसिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं और शीघ्र कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें कि स्थानीय निवासी लालचंद्र राठौर और अन्य सह खातेदारों का कहना है कि 2017-18 में उनकी भूमि का वैध सीमांकन और तरबीन किया गया था। हाल ही में फर्जी तरीके से खसरा नंबर 215 पर सीमांकन और तरबीन किए जाने के आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का दावा है कि पटवारी ने मोती राठौर, संतोष राठौर, कमलेश राठौर, रामधार राठौर और हिम्मत राठौर के नाम पर अवैध सीमांकन किया है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पटवारी कार्यालय में कई बार जाने के बावजूद पटवारी अनुपस्थित रहते हैं और फोन भी नहीं उठाते। इसके अतिरिक्त पटवारी पर सरकारी कामकाज के लिए पैसे की मांग और धमकी देने के आरोप भी लगाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पटवारी का कहना है कि फसल कटाई के बाद भूमि का कब्जा छोड़ना पड़ेगा, वहीं जबकि यह भूमि ग्रामीणों की पुश्तैनी संपत्ति है। वहीं ग्रामीणों ने 20 और 22 मई को 2024 को शिकायत पत्र प्रस्तुत किए थे, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अगले 10 दिनों के भीतर सीमांकन और तरबीन निरस्त नहीं की जाती और पटवारी पर कार्यवाही नहीं होती है तो भगवती मानव कल्याण संगठन के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं संबंधित खसरा नंबर 221-2, 223-22, 229-2 की कुल 0.845 हेक्टेयर भूमि पर लालचंद राठौर के नाम भूमि स्वामी दर्ज है। आरोप है कि पटवारी ने नक्शे और नंबरों में छेड़छाड़ कर भूमि का स्थान बदल दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री, जिला कमिश्नर और अन्य संबंधित अधिकारियों को शिकायत भेजी गई है। ग्रामीण अब न्याय की आशा में है और उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र होगा। आज हम लोग बक्सवा आए ज्ञापन देने के लिए। हमारे भैया लालचंद राठौर की जो जमीन थी उस पर पहले सीमांकन हो चुका था, लेकिन फर्जी तरीके से दोबारा सीमांकन किया गया, जिसमें इनकी जमीन को हथिया लिया गया है फर्जी तरीके से, और न किसी को, आजू बाजू के किसानों को कोई सूचना नहीं दी गई और बिना मौके पर जाए ही सीमांकन कर दिया गया है, जिसका ज्ञापन आज यहाँ पर देने आए हैं। यहाँ पूरा गोलमाल चल रहा है छतरपुर जिले में, किसी की जमीन किसी के नाम कर दी जाती है पन्नों में और वहाँ मौके पर कोई नहीं जाता। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करना? अगर इस ज्ञापन में जो हम लोगों ने सूचना दी है, तहसीलदार महोदय द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती, इन्हें सही तरीके से अगर वहाँ पर मौके पर सीमांकन नहीं मिलता है, इनका जो न्याय नहीं मिलती इनको, जो इनकी जमीन है, तो यहाँ पर 8 और 10 दिन के बीच अगर यह कार्रवाई नहीं की गई तो विशाल धरना यहाँ तहसील के सामने रखा जाएगा। क्या नाम? प्रीतम से लोधी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी पटियाला। जी, ये यहाँ जो गांव है जी, छतरपुर बक्सवाहा में आता है जी, यहाँ पर जो किसान हैं राठौर जी, इनकी जमीन पर ना पटवारी वहाँ मौके पे गए, मैंने ऐसा सुना है और मैं जानता भी हूँ। पटवारी जब सीमांकन करने जाते हैं तो जो आजू बाजू किसान रहते हैं, आवेदन लगता है, बाकायदा उनको सूचना दी जाती है कि जो भी किसान है वो आए, जिनकी जमीन नप रही है, जिनका सीमांकन हो रहा है सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया। जो दादा हमारे साथ में है, इनको ना सूचना दी गई 17-18 में, इनकी जब माता राम खत्म हुई उसके बाद जो सीमांकन का नया आवेदन लगा कर दिया गया, लेकिन उसके बाद में पटवारी जो आनंद चौरसिया जी, उनने जैसे भी पैसे वैसे लेकर के अन्य जो व्यक्ति के नाम पर हमने उनकी जगह करवा दी है, उसको फर्जी तरीके से जो किया गया है। मैं कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों का यह कहना है कि जो मध्य प्रदेश में यह जमीन का गोलमाल खेल जो चल रहा है, यह छतरपुर के बक्सवाहा मैंने देखा है, और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस पर उचित कार्रवाई 8 से 10 दिन में नहीं होती है तो भगवती मानव कल्याण संगठन बक्सवाहा, छतरपुर और साथ में पूरा संभाग आकर के यह तहसीली के सामने छतरपुर में एक धरना करेगा बक्सवाहा में। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी तहसीलदार महोदय की एवं पटवारी की होगी। क्या नाम है? सूरत से लोधी, प्रांतीय महासचिव, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, मध्य प्रदेश। एक और, आप किस कारण को लेकर आप यहाँ तहसील आए हुए हैं? हमारी माता के निधन के बाद हम तीनों भाइयों के नाम 2017-18 में सीमांकन और तरबीन हो चुकी थी। इसके बाद में कब्जा भी हमारे पूर्वजों से वहीं रहा, आज भी है, और हमने सुना है कि मोती, कमलेश, संतोष, रामधार इन्होंने तरबीन और सीमांकन करा लिया, जबकि हमारे पास ना कोई सूचना आई ना कुछ हुआ है।
दस्तावेज उसमें सब संलग्न है। यहाँ पर तहसील में आए हुए हैं, क्या आश्वासन दिया गया है जी? क्या आश्वासन दिया गया है यहाँ पर आए हैं आप आवेदन देने के लिए? अब बता रहे भाई साहब जी को, कह रहा है क्या साहब है नहीं यहाँ आज से हम बचे हैं ये हैं तक ही हाल। क्या नाम है आपका? हमारा खिलान राठौर सुझा रहा छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।